भी अवगत है कि 25 तारीख से ही 24 की तारीख से इनफैक्ट लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं रेलवे प्रॉपर्टी को लेकर, रेल यातायात को बाधित करने का प्रयास भी हुआ, प्रयास और किया भी गया। रेलवे की जो संपत्ति थी राजेंद्र नगर टर्मिनल में उसको क्षतिग्रस्त भी किया गया और हम लोगों को लगातार निरंतर 2 दिन मेहनत भी करनी पड़ी, एक दिन राजेंद्र नगर टर्मिनल पे और एक दिन बिकना पहाड़ी और मुसलापुर हाट वाले एरिया में जो स्थिति विधि व्यवस्था की उत्पन्न हुई थी उसको नियंत्रित करने में। उसी क्रम में प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। इन प्राथमिकियों में जो लोग पकड़े गए उनके अतिरिक्त जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया, और क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को पता चल गया था कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको पूरी तरह से डिजिटली कंट्रोल किया जा रहा है, उसके जो भी मोबिलाइजेशन हो रहा है वो पूर्ण रूप से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो रहा है। और जो सबसे इसमें दुखदायी बात थी कि जो वायलेंस हो रहा है कहीं पे भी हो रहा है उसको लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है दूसरे लोगों को दुष्प्रेरित करने के लिए। तो हमने सभी का जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स थे, जो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो रहा था, तो उनका हम लोगों ने गहन अध्ययन किया और उससे पता चला कि कुछ जो जिनके नाम की प्राथमिकी में आई भी हैं पत्रकार नगर में, उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है, लगभग 6 ऐसे व्यक्तियों के नाम आए हैं जो कि कोचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी यूट्यूब चैनल्स को हम लोगों ने फॉलो भी किया, एनालाइज भी किया, जो वीडियोज़ थी, तो कुछ चीज़ें जो उसमें प्रकाश में उसके आधार पर हम लोगों ने एफआईआर किया है स्टूडेंट्स के अतिरिक्त। अब अनुसंधान के अगले क्रम में इन सभी जो व्यक्तियों के नाम आए हैं उनको एक बाजाब्ता 160 दबिशों का नोटिस होता है वो भेजा जाएगा और उनको अनुसंधान में सहयोग करने के लिए, अनुसंधान में जुड़ने के लिए एक निर्धारित स्थल और टाइम देते हुए उनको एक अवसर दिया जाएगा कि वो अपना जो भी प्रतिरक्षा साक्ष्य या अपने पक्ष में जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो प्रस्तुत करें, क्योंकि ये सब डिजिटल एविडेंस है। डिजिटल एविडेंस का जो पैमाना होता है अलग होता है। हम लोग सब इस पे देखें कि YouTube चैनल्स किनके क्रिएटेड हैं, जो WhatsApp ग्रुप्स इनके माध्यम से इनको मोबिलाइज किया गया, उनके ग्रुप एडमिन्स कौन हैं और उनका सभी के जो साक्ष्य पूर्ण रूप से एकत्रित करके 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर, तो उसमें उसको नियंत्रण के क्रम में और उसके बाद जो पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई तो उसमें जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ के क्रम में कुल 6 ऐसे लोगों का आया था नाम जो कि किसी न किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे, उसके संचालक या उसके प्रतिनिधि थे। उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज जो बिहार एसोसिएशन है कोचिंग का उसको उनके पदाधिकारी और उनके अन्य सदस्यों को बुलाया था। लगभग 25-30 की संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो एक तो ये कि हम लोगों ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोगों ने ब्रीफ किया है, किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में या उसको प्रोत्साहित करने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान की। कोचिंग का दायित्व तो पढ़ाने का है, बच्चों का कैपेसिटी बिल्डिंग का है, तो वो होना चाहिए। ये हम लोगों ने अपनी अपेक्षा बताया था और उन लोगों का भी कुछ ग्रीवांस था तो उसको भी हम लोगों ने सुना है और हम लोगों का बहुत स्पष्ट मंतव्य है कि पूरा कोचिंग जो संस्थान है या प्रोफेशन है उस पर किसी प्रकार का हम लोगों को शक नहीं है और उस पर किसी प्रकार का उसके प्रति हम लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम आया है उसका हम लोग साक्ष्य के आधार पर जरूर जांच करेंगे और अगर किसी प्रकार का भड़काने का या अन्य कोई मामला सही पाया जाता है तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी।